हेलो दोस्तों, राधे राधे। कन्हैया फैशन ट्रेंड में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम बनाएंगे कुशन कवर। तो कुशन कवर हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ था छोटा छोटा पीस का, तो इसलिए मैं इसका डिज़ाइन करूँगी और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे, प्यारा सा। इसका वैसे कोई नाप नहीं है, आप अपने कुशन का नाप ले कर तभी बनाएंगे। ये मैंने अपने कुशन का नाप ले लिया, ये बड़ा साइज है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको अपने कुशन के नाप से ही बनाऊंगी। अब ये मैंने पट्टियाँ ली हैं, ये पट्टियाँ हम इसकी चारों तरफ लगाएंगे। ये पट्टी मैंने 2.25 इंच की काटी है और एक साइड से मैंने इसको प्रेस से फोल्ड कर दिया है और दूसरी साइड से हम ऐसे ही रखेंगे इसको। और ये छोटे छोटे डिजाइन मैंने इसके ये कट किए हैं, ये मैं इसके कोनों में लगाऊंगी। चारों कोनों के मैंने ये डिज़ाइन काट लिए हैं, इनसे मैंने पेपर फ्यूजिंग पर मैंने कपड़े को चिपका अटैच कर दिया है और एक साइड से हम कपड़े को ऐसे इस पर फोल्ड कर देंगे या और इस साइड से हम बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे। जितनी हमारी पेपर फ्यूजिंग है इतना ही हम इसका कपड़ा रखेंगे, ये देखिए। और ये हम जो मैंने ये बर्फी का डिज़ाइन काटा है इसको हम बीच सेंटर में लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये 2 पीस हैं, एक मेरे पास प्लेन है, ये मेरे पास इतना ही छोटा पीस बचा हुआ 15x15 का। तो मैंने इसको, मुझे 15 तैयार चाहिए, तो मैंने इसको 16 इंच कट कर लिया है। 16 इंच इधर से ही है और 16 इंच ही हम इधर से, 16x16 हो गया हमारा पीस। ये मैंने 2 पीस लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं 2 इसके कवर बनाऊँगी। ये मेरा प्रिंट है और ये नीचे का जो पीस है इसको मैंने इससे बड़ा रखा है, ये मैंने 5 इंच बड़ा रख लिया है। जो हमारा प्रिंट वाला पीस है ऊपर रहेगा और ये हमारा अंदर की साइड रहेगा, तो मैंने 5 इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि इसमें हम जिप लगाएंगे उसी हिसाब से। और जितना ये फालतू होगा इसको बाद में हम इसके साथ जब अटैच करेंगे तो बाद में कट कर देंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर का पीस तैयार करेंगे अपना, जो हमने प्रिंट वाला लिया है इसको प्लेन को हटा देते हैं और ये सबसे पहले हम प्रिंट वाला पीस लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस पे जो हमारे चारों कोने हैं ये लगा लेंगे और ये लगाएंगे हम 1-1 इंच छोड़ कर, ये इतना। ये देखिए दोस्तों, 1-1 इंच हमने ये इतना छोड़ देना है कपड़ा और चारों तरफ हम इसको मशीन से इसमें अटैच कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमने चारों कोनों पर अटैच कर दिया है जो हमने डिजाइन किया था अपना। और ये देखिए किसमें कितनी फिनिशिंग आई है, फिनिशिंग हमारी इसलिए आई है ताकि मैंने इसमें पेपर फ्यूजिंग चिपका दी कपड़े पर, तो इसलिए इसमें हमारी बहुत ही सुंदर, ये देखिए कितने प्यारे बन के आया डिज़ाइन। अब हम इसके ये बीच में लगा लेते हैं, जो हमने डिज़ाइन काटा हुआ है अपना बनाया हुआ, तो इसको हम ऐसे बीच में अटैच कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने बीच सेंटर में अपना ये डिज़ाइन लगा दिया। अब मैं इसको जो पट्टी मैंने एक साइड से फोल्ड करी हुई है, ये आप इसको अपने हिसाब से कम चौड़ी भी रख सकते हैं, छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं इस पट्टी को। अब इसको पट्टी को हम सबसे पहले ऐसे इधर लगा लेंगे, चारों तरफ हमने ये पट्टी लगानी है। सबसे पहले मैं यहाँ से सिलाई करूँगी और फिर उसके बाद इधर से सिलाई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों साइड लगाएंगे, ये देखिए एक साइड इधर होगी। अब हम इसका यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने कोना कैसे बनाना है, ये ऐसे पट्टी लेनी है, एक साइड से हमने ये फोल्ड करी हुई है इधर से और इधर से हमारी ये साइड में रहेगी। अब इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, ये देखिए और एक की जैसे इसको फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ कोना बनाने के लिए ऐसे यहाँ अटैच कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कोना बन गया, ऐसे हम इस पर यहाँ सिलाई कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका है ये कोना बनाने का। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कोना बना है, ऐसे ही हम इस साइड बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पीस हमारा ऊपर का तैयार हो गया बनके, मैंने तैयार कर दिया। ये देखिए चारों कोने हमारे कितनी फिनिशिंग के साथ बने हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं और फिनिशिंग भी अच्छे से आ गई है। अब हम जो नीचे का पल्ला वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो हम इसको जिप लगाएंगे इसमें
ये जिप मेरे सेम कलर नहीं आई, मेरे पास ऐसी पड़ी थी तो मैंने इसलिए सोचा मैं ये लगा देती हूँ। आप अपनी मैचिंग की चैन लगाएं, और चैन लगाने का सबसे आसान तरीका है इसमें, इस पर हम सबसे पहले पूरे कपड़े पे यहाँ इसमें ऐसे सिलाई कर देती हूँ इस पर यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अटैच कर दिया है इसमें। ये देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे पलटेंगे और इस पर एक यहाँ सिलाई लगा देंगे किनारे की। ये देखिए दोस्तों, सिलाई कर दी है मैंने। अब हम इसका दूसरा हिस्सा लेंगे इधर से, और इसको हम ऐसे ही इस पर भी अटैच कर लेंगे इस कोने पर। ये ऐसे इस पर भी ऐसे ही सिलाई कर दूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लगा इस पर अटैच कर दिया दूसरा हिस्सा भी। ये देखिए, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं इधर से। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको सीधा कर लिया। अब मैं इस पर जिधर से हमने सिलाई नहीं करी इसके ऊपर, इधर से हम नापेंगे इसको, और हम इसमें 6 इंच पर निशान लगा लूँगी। 6-6 इंच पर हम ऐसे इसको निशान लगाते रहेंगे, और मैं इसको कट कर दूँगी ऐसे। ये देखिए दोस्तों, मैंने निशान लगा लिया है 6 इंच पर। अब मैं इस निशान पे ही इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अब इससे हमारा दोनों पल्ले अलग हो गए हैं। ये देखिए, अब जो ये छोटे वाला पीस है इसको हम, ये जो हमारी अब अलग कलर हो गया हमारी चैन का, तो हम इसको ढकने के लिए इस पर इसको ऐसे 1 इंच इसके ऊपर चढ़ा कर यहाँ मैं यहाँ से इस पर सिलाई कर दूँगी, और एक सिलाई इस पर दोनों साइड से इसको ऐसे मैं बंद कर दूँगी यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, कितनी फिनिशिंग से हमारी चैन लगी है। ये देखिए, इसके मैंने ऊपर ये यहाँ सब बंद किया, और यहाँ पर इसके चैन के ऊपर सिलाई कर दी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, अब ये दिखाई नहीं देगी चैन हमारी। ये देखिए बिल्कुल बंद होगी। अब हम दोनों पल्लों को अटैच करते हैं। हम इधर से शुरू करेंगे जिधर हमारा ये छोटा पीस है, क्योंकि जो हमारा फालतू फैब्रिक होगा वो इधर की साइड इस साइड से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे हमने रखना है। ये भी सीधी साइड है और ये भी सीधी, दोनों को हमने उल्टी साइड से चारों तरफ से इसमें हम सिलाई लगा देंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पर चारों तरफ सिलाई कर दी है। ये हमने खुला नहीं रखना सीधा करने के लिए। और जो मेरा ये फैब्रिक देखो फालतू इधर बच गया है, इसको मैं कट कर दूँगी। जो ये कोने हैं ये उनको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब सीधा हमने कहाँ से करना, सीधा हम अब जहाँ हमने चैन लगाई थी अब यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर हमारा कुशन कवर बना है, कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप इसको डेकोरेशन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये लगा दीजिए। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है इस पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर, कमेंट, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी बजा दें, आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।